नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 70.87% मतदान। कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर में सुरक्षा बलों नक्सलियों में मुठभेड़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो गया है। अब जो बूथ के अंदर रह गए हैं वही मतदाता वोट कर सकेंगे। शाम 5 बजे तक 70.87% मतदान हो चुका था। वहीं मतदान के बीच नक्सलियों ने जमकर आतंक मचाया। दंतेवाड़ा और सुकमा में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं। सुकमा में 2 अलग अलग IED ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। अभी मीनपा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक 3 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा कांकेर में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 1 किसान घायल हुआ है। बीजापुर में कई नक्सलियों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग निकले। जिन 20 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। केवल 1 राजनांदगांव सीट भाजपा के पास है। 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट भाजपा के पास थी, लेकिन नक्सली हमले में विधायक की मौत के बाद हुए उपचुनाव में ये सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे ही खैरागढ़ सीट JCCJ के पास थी, लेकिन उपचुनाव में इस पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। कवर्धा और मोहल्ला मानपुर सीट पर भी अभी कांग्रेस विधायक हैं। ताड़, मेठला और दुलेड़ के बीच CRPF जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मीनपा में पोलिंग पार्टी को सुरक्षा देने के लिए जवान जंगल में तैनात थे, इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक चली मुठभेड़ में कुछ जवानों के घायल होने की आशंका है। वहीं चिंतलनार क्षेत्र के लखापाल के पास नक्सली फायरिंग और IED ब्लास्ट में 1 जवान घायल हो गया है।